इस बीच एक बड़ा और कड़ा संदेश दिया गया है चीन को रूस से। इस बीच रूस से भी चीन को कड़ा संदेश दे दिया गया है। रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। मॉस्को में चीनी रक्षा मंत्री से नहीं मिलेंगे राजनाथ सिंह। भारत ने चीनी मीडिया की रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। भारत चीन में कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। इससे पहले ग्लोबल टाइम्स समेत चीन की कुछ एजेंसियों ने इस बात को लेकर भ्रम फैलाया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से मिल सकते हैं। रूस में मुलाकात ये हो सकती है, लेकिन अब भारत की ओर से साफ कर दिया गया है ऐसी कोई मुलाकात नहीं होने वाली है दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आज विक्ट्री डे परेड है। नाजियों पर विजय के फलस्वरूप रूस अपना विजय दिवस आज मनाता है, विक्ट्री डे परेड, और उसमें भारत की सेना की एक टुकड़ी पहुंची हुई है, वो भी इस विक्ट्री डे परेड में शामिल होगी और खुद विशेष मेहमान के तौर पर पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन से दूरी बरकरार है, दो मोर्चों पर काम कर रहे हैं। विक्ट्री डे परेड में उन्होंने हिस्सा लिया। चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे इस बात का फैसला लिया गया है, यानी एक कड़ा संदेश कि पहले चीन जो कहता है उस पर अमल करे। और उसके साथ ही एक और संदेश उन्होंने दे दिया कि रूस से इस बात की अपील की है कि जो रक्षा सौदे हुए हैं उन पर जल्द से जल्द अमल करे रूस और जल्द से जल्द ऑर्डर को भारत तक भिजवाए।